असल स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फंक्शन के कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल से डिस्कस किया था सो अ फंक्शन इज सिंपली एन इक्वेजन कनेक्टिंग टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई सच देट फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देर इज वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ वाई फंक्शन को बेसिकली हम किसी भी भीवेजन से रिप्रजेंट करते हैं कि जिसमें हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं यूजली एक्स और वाई वेरिएबल्स होते हैं जहाँ पे हमें एक्स की हर एक वैल्यू के लिए Y की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मिलती है फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल टू टू एक्स x की हर एक वैल्यू के लिए y के सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वैल्यू मिलेगी तो यहां पे हम कहते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। सो so हेयर y इज अ फंक्शन ऑफ x और इसको हम लिखते हैं y इक्वल एफ ऑफ एक्स तो इस फंक्शन को इस इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर हम वाई की जगह एफ ऑफ एक्स लिख दें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्सर तो ये हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्सर अब फंक्शन में बेसिकली क्या होता है कि हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहां पे एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है so here X is इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल तो फंक्शन में ये होता है कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंट वैल्यूज देते जाते हैं और आपके पास करस्पॉन्डिंगली डिपेंडेंट वेरिएबल की वाई की डिफरेंट वैल्यूज आती जाती हैं या डिफरेंट फंक्शन वैल्यूज आती जाती है तो यहां पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह हम जो भी रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं वो उस फंक्शन की क्या कहलाती है डोमेन कहलाती है डोमेन जो है वो द सेट ऑफ ऑल एक्स वैल्यूज दैट वी कैन पुट इन साइड द फंक्शन और कॉरेस्पॉन्डिंगली द सेट ऑफ ऑल फंक्शन वैल्यूज और वाई वैल्यूज जो है वो फंक्शन की क्या कहलाएगी रेंज कहलाएगी सो डोमेन हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स वैल्यूज और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यूज इज कॉल्ड Domain of function F. Similarly, the set of all Y values are dependent variable values. ज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन एफ तो डोमेन जो है वो है, सेट ऑफ ऑल एक्स वैल्यूज है ये द सेट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यूज है यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज होंगी उन तमाम का जो सेट होगा वो डोमेन का और डिपेंडेंट वेरिएबल्स वैल्यूज का जो सेट होगा यानी जो वाई वैल्यूज का सेट होगा फंक्शन में वो फंक्शन की रेंज कहलाएगा तो जैसे कि प्रीवियसली हमने फंक्शन को डिफाइन किया था कि फंक्शन को हम एज ए कंप्यूटिंग मशीन भी देख सकते हैं कि फंक्शन एक कंप्यूटिंग मशीन है जो एक्स को एज इनपुट्स लेता है और हमें वाइज जो है उनको वाई को या एफ ऑफ एक्स को एज आउटपुट्स प्रोवाइड करता है तो इट मींस डोमेन को हम इस तरह भी देख सकते हैं कि डोमेन जो है वो क्या है द सेट ऑफ ऑल इनपुट्स क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं तो इस कंप्यूटिंग मशीन के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं वो इनपुट्स हैं और कॉरेस्पॉन्डिंगली वाई वैल्यूज फंक्शन वैल्यूज हैं वो आउटपुट्स हैं तो हम डोमेन को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं द सेट ऑफ ऑल इनपुट्स Inputs are usually x values. The set of all inputs is called domain. Domain of the function and the set of all outputs. Outputs are f of x or y values. So these are. उूट द सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स इज कॉल्ड रेंज फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो यहां एक्स की जगह कोई भी रेल नंबर यहां पे प्लग इन कर सकते हैं तो इट मीन्स इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो क्या होगी द सेट ऑफ ऑल रेल नंबर्स। सो डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल square is the set of all real numbers. और अगर हम रेंज की बात करें तो हम देख सकते हैं कि हम यहाँ x की जगह कोई भी नंबर प्लग इन कर नेगेटिव पॉजिटिव वट एवर तो यहां एक्स स्क्र है तो इट मीन ये हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा ये एक्स की अगर हम इन करें तो जीरो रहेगा जीरो या पॉजिटिव तो ये पूरा एक्सप्रेशन टू एक्स नेगेटिव नहीं होगा इट मींस जो आउटपुट्स होंगे यानी जो फंक्शन की जो रेंज होगी वो क्या होगी द सिर्फ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स तो ये ये कभी नेगेटिव नहीं होंगे सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन सो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर तो फंक्शन की डोमेन और रेंज को यूजली हम इंटरवल नोटेशन से डिनोट करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को वैसे हम आर लिखते हैं ओके okay? सिर्फ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर मीनर ऑल द वैल्यूज आर ग्रेटर टू जीरो तो हम इंटरवल नोटेशन यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर देखें रियल लाइन को देखें तो ये जीरो है जीरो की लेफ्ट साइड पर नेगेटिव रियल नंबर और जीरो की राइट साइड पर पॉजिटिव रियल नंबर तो जब हम पूरी रियल लाइन को इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको लिखते हैं

पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो पे हम अगर जीरो को इंक्लूड करें कर तो हम स्क्सूज करेंगे रियल नंबर और इंटरवल नोटेशन में हम लिखेंगे जीरो टू पॉजिटिव इंफिनिटी अब हम फंक्शन की और भी डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे जहां पे हम उनकी डोमेन और रेंज को फाइंड करेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस फंक्शन को देखें टू वन ओवर एक्स जैसे कि हमने देखा कि फंक्शन की जो डोमेन है वो है द ऑल पॉसिबल एक्स वैल्यूज यानी एक्स की जगह जो भी हम वैल्यूज प्लग इन कर सकते हैं पुट कर सकते हैं या जो हम अलाउड हैं पुट करने के लिए वो उसकी डोमेन हो जिस तरह की यहां पे इस फंक्शन में देखें कि यहां पे हम एक्स की जगह क्या कोई भी रियल नंबर प्लग इन कर सकते हैं हम यहाँ कोई भी रियल नंबर प्लग इन कर सकते हैं लेकिन हम यहां पे एक्स की जगह जीरो प्लग इन नहीं कर सकते जीरो पुट नहीं कर सकते क्योंकि फिर ये अनडिफाइंड केस हो जाती है डिविजन बाय जीरो इट मीन यहां पे जो डोमेन होगी वो क्या होगी द सिर्फ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो इस फंक्शन में जो डोमेन होगी वो क्या होगी डोमेन इज द सेट ऑफ All real numbers except x X को हम यहाँ पे zero put नहीं कर सकते तो इसको हम इस तरफ लिख सकते हैं। सिर्फ ऑल रियल numbers एक्सेप्ट zero। तो हम इस zero को एक्सक्लूड कर देंगे के और इसको अगर हम इंटरवल notation में लिखें तो ये zero है zero को यहां पे हम इंक्लूड नहीं कर सकते इट मीन जो डोमेन होगी उसको हम इंटरवल रोटेशन बिस्तर पर लिख सकते हैं यहां दिस इज नेगेटिव इंफिनिटी एंड दिस इज पॉजिटिव इंफिनिटी तो नेगेटिव इंफिनिटी टू जीरो यूनियन जीरो टू पॉजिटिव इंफिनिटी यहां पे दो डिफरेंट पार्ट्स हैं जीरो से तमाम छोटे नंबर्स और जीरो से तमाम बड़े नंबर्स और जीरो को इंक्लूड नहीं करना तो हमने इन इस इंटरवल को इन सेट ऑफ वैल्यूज को इन सेट ऑफ वैल्यूज को हमने अब कंबाइन करना है तो कंबाइन करने के लिए हम यूनियन का सिंबल यूज करेंगे और अगर हम इस फंक्शन की रेंज की बात करें तो यहां से ऑब्वियस है कि यहां पे देखिए इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो एक है एक नॉन जीरो नंबर है वन है इट मींस यहां पे हम कोई भी रियल नंबर पुट कर दें एक्सेप्ट जीरो तो ये फ्रैक्शन जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता इट मीन्स यहाँ पे जो रेंज होगी फंक्शन की सो रेंज ऑफ एफ जो है वो अगेन के तमाम रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो सो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो सो द सेम केस नेगेटिव इनफिनिटी टू जीरो यूनियन जीरो टू पॉजिटिव इनफिनिटी या फिर रेंज को हम इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम इस फंक्शन को इस तरह लिखें एफ की जगह अगर हम वाई लिख दें ई इज इक्वल टू वन ओवर एक्स इस तरह लिख सकते हैं हम इस फंक्शन को और फिर हम अगर यहाँ x के लिए सॉल्व करें तो x की वैल्यू आ जाएगी वन बाई वाई अब देखें यहाँ पे हम y की जगह जीरो प्लग इन नहीं कर सकते डिविजन बाई जीरो अगेन नॉट अलाउड सो हेयर y इज नॉन जीरो y क्योंकि आउटपुट वैल्यूज हैं रेंज वैल्यूज हैं तो यहां से भी हम देख सकते हैं कि जो रेंज ऑफ दिस फंक्शन है वो क्या होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो So, negative infinity to zero. So, the same case. जब भी हमें रेशनल फंक्शन दिया होगा यानी फ्रैक्शन दी होगी तो हमने क्या करना है डिनमिनेटर को जो वैल्यू जीरो कर रही है उनको हमने रियल नंबर्स में से क्या करना है डिलीट कर देने एक्सक्लूड कर देने तो बाकी तमाम नंबर्स जो है वो उस रेस्टनल फंक्शन को सेटिस्फाई करेंगे फ्रैक्शन को सेटिस्फाई करेंगे और उसकी डोमेन में आएंगे और रेंज फाइंड करने के लिए हम उसको वाई और एक्स की फॉर्म में लिखें और एक्स के लिए अगर हम सॉल्व कर दें तो वहां से हमें रेंज जो है वो फाइंड आउट हो जाती है नाउ लेट्स कंसीडर अनदर एग्जांपल एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन स्क्वे रूट अब हम देखेंगे कि कोई भी आपके पास एक जनरल रेशनल फंक्शन हो यानी रेशनल फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसमें जो हमारे पास एक फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में क्या होता है पोलिनॉमिल्स होती हैं तो ये एक बेसिकली पोलिनियल्स की रेशो ratio है रेशनल फंक्शन तो इसकी हम डोमेन कैसे फाइंड करते हैं रेंज कैसे फाइंड करते हैं यानी क्या डिफरेंट या सिचुएशन हो सकती है जिसमें हमें रेशनल फंक्शन दिया होगा फॉर एग्जाम्पल अगर रेशनल फंक्शन को हम कंसिडर करें माइनस वन तो इसकी डोमेन क्या होगी यहां हम एक्स की जगह क्या चीज प्लग इन कर सकते हैं तो जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था कि जब आपके पास फ्रैक्शन या रेशनल फंक्शन आ जाते हैं तो हम हर रियल नंबर पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट उन रियल नंबर के कि जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा हो जिस तरह देखें अगर हम एक्स की जगह वन प्लग इन कर दें तो डिनोमिनेटर जीरो होता है है अनडिफाइंड केस हो जाती वन तो के अलावा हम कोई भी रियल नंबर प्लग इन कर सकते हैं तो इट मीन रेशनल फंक्शन की डोमेन फाइंड करने के लिए आपने उसकी डिनोमिनेटर को अगर इज इक्वल टू जीरो करें तो जो वैल्यूज आती हैं उनको आपने रियल नंबर में से एक्सक्लूड कर देने हैं, डिलीट कर देने और बाकी तमाम वैल्यूज जो हैं वो इनकी डोमेन फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू जीरो वन हम प्लग इन नहीं कर सकते क्योंकि तो यहां पे ये यह डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तो जो इसकी डोमेन होगी वो क्या होगी सो डोमेन ऑफ एफ इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इसको इंटरवल रोटेशन में भी लिख सकते हैं माइनस इनफिनिटी टू वन यूनियन वन टू पॉजिटिव इनफिनिटी। और अगर हम इसकी रेंज फाइंड आउट करना चाहें तो रेंज क्योंकि यहां से ऑब्वियस नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको वाई और एक्स के फॉर्म में लिखेंगे और एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो इस फंक्शन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स की जगह अगर हम y लिख दें सो so y इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स माइनस वन और अब इस इसवेजन में हम एक्स की वैल्यू फाइंड करें यानी को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाते तो अब एक्स माइनस वन को अगर हम यहाँ शिफ्ट करें y X 1, X, इस तरह लिख सकते हैं y को मल्टीप्लाई करें so X. X सो एक्स कॉमन ले रहे हैं वाई माइनस वन इज इक्वल टू वाई एक्स की वैल्यू हो जाएगी वाई ओवर वाई माइनस वन और अब हम यहां देख सकते हैं कि हम यहां पे वाई की जगह वन नहीं पुट कर सकते हैं। जब वाई वन होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा तो हेयर वाई इज नॉट वन इट मीन्स क्योंकि वाई जो है अब वो तमाम आउटपुट वैल्यूज हैं या रेंज वैल्यूज हैं इट तो मीन्स तो इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो क्या होगी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन सो रेंज ऑफ एफ इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट द सेम केस के फंक्शन की डोमेन और रेंज एक जैसी वैल्यूज हैं। माइनस इनफिनिटी टू वन यूनियन वन टू पॉजिटिव इनफिनिटी। तो एक चीज माइंड में रखें कि जो डोमेन होती है यानी यहां ये जो वैल्यूज हैं ये बेसिकली सारी की सारी ये एक्स वैल्यूज हैं और जो रेंज है ये जो वैल्यूज हैं ये सारी वाई वैल्यूज है बाज हमारे तो पास रेशनल फंक्शन इस फॉर्म का भी हो सकता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर ओवर एक्स माइनस टू इस फॉर्म में अब यहां पे हम देखें कि डोमेन क्या होगी तो डोमेन के लिए गेन हम x 2 को अगर देखें ये जीरो कहां पे तो ये 2 पे जीरो है तो डोमेन क्या होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 तो यहां पे यानी यह x जो है वो 2 के इक्वल नहीं हो सकता तो डोमेन क्या होगी so, डोमेन ऑफ f इज तो सिर्फ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 इंटरवल फॉर्म में लिखें तो नेगेटिव इनफिनिटी टू 2 टू टू पॉजिटिविटी अगर हम अब इसके रेंज की बात करें तो रेंज फाइंड करने के लिए देखिए ये फंक्शन इस तरह है कि अगर हम इस फंक्शन को न्यूमरेटर को फैक्टर फैक्टर आउट करें इन इसकी फैक्टराइजेशन करें और इसको सिंप्लीफाई करें तो हम इस फंक्शन को इस तरह भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू न्यूमरेटर के फैक्टर्स आ जाएंगे एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू

अगर हम रेंज फाइंड करें तो हमने ये सारा कुछ उसके रेंज फाइंड करने के लिए किया है अब देखिए रेंज में अब क्योंकि फंक्शन में हम टू प्लॉग इन नहीं कर रहे तो इट मीन यहां पे भी हम टू प्लॉग इन नहीं कर सकते लेकिन अगर हम यहां पे टू प्लॉग इन करते हैं तो क्या वैल्यू आती है फंक्शन की सपोज अगर हम यहां टू प्लॉग इन करते तो एट एक्स इज इक्वल टू टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू प्लस टू ये आ जाएगी फोर तो इट मीन्स फंक्शन की वैल्यू तो फोर आती है लेकिन अब हम क्योंकि यहां टू जो है वो हमने इनपुट नहीं किया तो हमारे पास फंक्शन में फोर नहीं आ सकता क्योंकि फोर जो है वो टू की करस्पॉन्डिंग वैल्यू है और टू यहां पे अलाउड नहीं है पुट करना इट मीन जो इस फंक्शन की रेंज होगी वो फोर के अलावा इसके जो आउटपुट्स होंगे वो फोर के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है तो इसकी जो रेंज होगी सो रेंज ऑफ एफ इज सिर्फ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट फोर ड्रबल फॉर्म में लिखें तो माइनस इन्फिनिटी टू फोर यूनियन फोर टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तो इस फंक्शन की अब हम डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं तो हम यहां पे एक्स की जगह कौन सी वैल्यूज इन कर सकते हैं ताकि हमारे पास एक नॉर्मल केस हो यानी कोई भी अनडिफाइंड केस ना हो तो आपको पता है यहां पे स्कोर रूट है और स्क्वेर रूट में एबनॉर्मल या अनडिफाइंड केस कब होती है कि जब आपके, पास कोई आ जब आपके पास आ so तो इस चीज को हमने अवॉइड करना होता है यहां पे हम x की जगह नेगेटिव टू करें तो एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है नेगेटिव थ्री नेगेटिव फोर कोई भी वैल्यूज प्लग इन करते हैं इस तरह तो ये नेगेटिव आ रहा है ओके okay? तो ये वैल्यूज जो है वो डोमेन में नहीं हो सकती क्योंकि यहां पे ये हो है। तो जब भी आपके पास कोई स्कोर रूट फंक्शन इस तरह आ जाए ओके तो उसको डिफाइंड होने के लिए स्कोय रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो या तो जीरो हो या जीरो से बड़ा हो जीरो या पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो रूट फंक्शन की डोमेन फाइंड करने के लिए हम स्क्वेयर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए सॉल्व करते हैं यहां पे हम एक्स प्लस वन को ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए सॉल्व करते हैं इज एक्स इज ग्रेटर टू माइनस वन यानी नेगेटिव से ग्रेटर कोई भी इन करें. Negative इन करते हैं तो जीरो अदरवाइज पॉजिटिव होगा तो यह उसकी डोमेन होगी सो so, डोमेन क्या होगी सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एफ इज द सेट ऑफ ऑल वियल नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू नेगेटिव वन सो दिस इज

माइनस वन प्लग इन करते हैं जीरो होगा अदरवाइज़ ये हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा तो इसकी जो रेंज होगी सो रेंज ऑफ़ जो होगी वो क्या होगी जीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इंक्लूडिंग जीरो अब हम देखेंगे कि आपके पास जब भी कोई जनरल स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाए तो उसकी डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स

तो ये क्वाड्रेटिक इक्वलिटी है और क्वाड्रेटिक को हम कैसे करते हैं कि सिंपली पहले हम इसकी इक्वेजन को सॉल्व कर लेते हैं दो वैल्यूज मिलेगी पॉजिटिव टू और नेगेटिव टू अब ये इक्वेजन के सोल्यूशन हैं तो हमने इनक्वेलिटी के सोल्यूशन फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे इन इक्वेजन के सोल्यूशन को हम रियल लाइन पे प्लॉट कर दें माइनस टू एंड टू सपोज ये तो अब देखें ये दो सोल्यूशन जो हैं वो रियल लाइन को थ्री डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एंड अब हमने इन तीनों पार्ट्स को चेक करना है कि क्या ये इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो हमारी इस इनिक्वेलिटी को सेटिस्फाई करते हैं सपोज अगर मैं यहां से माइनस टू की लेफ्ट साइड से कोई भी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल माइनस थ्री ले लू या कोई भी वैल्यू ले, ले लू यहां प्लग इन करूं

जो डोमेन होगी यानी वो इस इनक्वेलिटी का सोल्यूशन होगा और वो ये सोल्यूशन है कि माइनस टू या उससे तमाम छोटी वैल्यूज या टू या उससे तमाम बड़ी values. तो इसको हम इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे सो डोमेन सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज माइनस इनफिनिटी टू माइनस टू यहां पर माइनस टू और टू इंक्लूडेड होंगे क्योंकि इनक्वलिटी में इक्वल साइन भी है ग्रेटर देन और इक्वल टू 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 पॉजिटिव इंफिनिटी तो यह फंक्शन की डोमेन है और रेंज क्या होगी स्क्वायर रूट फंक्शन की जो रेंज है वो हमेशा क्या होती है जीरो सो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो जीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इंक्लूडिंग जीरो जब भी इस तरह हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन दिया होगा तो डोमेन फाइन करने के लिए हम उसको

और वो रिलेशन किसी भी इक्वेजन से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह की इक्वेजन में हमारे पास x के हर एक वैल्यू के लिए y की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू होगी और किसी फंक्शन में दैल्यूज ऑफ ऑल x वैल्यूज जो है द ऑल इनपुट्स जो है वो उस फंक्शन की डोमेन कहलाता है एंड द सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स और y वैल्यूज जो है वो फंक्शन की रेंज कहलाता है तो इसी तरह आज हमने देखा कि हम डिफरेंट फंक्शंस की डोमेन और रेंज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फंक्शंस की वेरियस टाइप्स को डिस्कस करेंगे सी यू नेक्स्ट टाइम